तो यार ऐसे काफी सारी अनसर्टेन चीजें हैं जो कि पोकेमोन के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है, एंड आई डोंट थिंक सो कि जो स्पेशल 11 एपिसोड्स एश किचम के लिए बनेंगे उसके अंदर ये चीजें कंप्लीट कर पाएंगी पोकेमोन कंपनी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि ये है कि लॉट्स ऑफ एडिशनल कैरेक्टर्स का कैमियो। तुम सभी को पता है कि पोकेमोन काफी लंबी सीरीज है और उसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स थे। आई नो ये 11 के जो स्पेशल एपिसोड्स है जिसके अंदर जो अपनी फाइनल एश की स्टोरी है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कैमियोज तुम लोगों को देखने मिले, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम सारे कैरेक्टर को दिखा पाओ 11 एपिसोड्स के अंदर जो कि हजारों एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुए हैं, राइट? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स तुम लोग को डेफिनेटली देखने मिलेंगे 11 एपिसोड्स के अंदर, बट कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो रुक जाएंगे। एक और चीज जो मेरे दिमाग में चला हुआ आ रहा है एंड मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि पोकेमोन इसको कैसे करके कंप्लीट करेगा, वो है कि टीम रॉकेट का क्या। लाइक मच लाइक एश, टीम रॉकेट का भी जो ट्रियो है वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक एश कैसम के साथ रहा है एंड एंडलेस जर्नी एश के साथ एंजॉय किया है। तो मोस्ट अजीब चीज तुम लोग कह सकते हो पोकेमोन के अंदर ये रहेगी, इनका क्या? क्योंकि यार सबसे ज़्यादा ऑब्वियस आउटकम तुम लोग को इस पूरे ट्रियो का ये देखने मिल सकता है कि ये एश और पिकाचू के साथ दोस्ती कर ले, ठीक है? क्योंकि दे आर नॉट ट्रूली ईवल डीप डाउन, तुम सभी को पता है काफ़ी अच्छे लोग हैं, बट इट्स स्टिल हार्ड टू अज्यूम कि ऐसा सही में होगा या पोकेमोन कंपनी टीम रॉकेट के लिए कुछ अलग प्लान करेगी, क्योंकि टीम रॉकेट की एंडिंग क्या होगी किसी को नहीं पता। जस्ट एस एश ने काफ़ी सारे लोगों के साथ भी ट्रैवल किया है तुम सभी को पता है, इंक्लूडिंग मेल कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर, एंड उनके अपने पर्सनल गोल्स भी थे। तो क्या पोकेमोन कंपनी इन 11 एपिसोड्स के अंदर हम लोग को उनका भी कंप्लीट होते हुए देखने मिलेगा? क्योंकि यार कुछ ऐसे ट्रेनर्स थे जो कि पोकेमोन के डॉक्टर बनना चाहते थे, ब्रीडर बनना चाहते थे, ट्रेनर बनना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे और भी बहुत कुछ। तो क्या पोकेमोन कंपनी सीरियसली 11 एपिसोड्स के अंदर कंक्लूड कर पाएगी ये चीज़ है? मुझे नहीं लगता। शायद से इस कारण में भी बाद में चल के जो स्कारलेट एंड वॉलेट एनिमे है उसके अंदर शायद इनका कुछ रोल हो। मैनी ऑफ एश फ्रेंड तुम लोग कह सकते हो अभी भी अपने ड्रीम्स में बिजी हैं। एश के पास ऐसे काफी सारे पोकेमॉन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा तुम लोग कह सकते हो डिजर्विंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है, ठीक है? बट ऐसा काफी बार हुआ है कि इनको वो इज्जत नहीं मिली या फिर वो तुम लोग कह सकते हो कि वो रोल नहीं मिला पोकेमोन के अंदर जो कि वो डिजर्व करते थे। एश के पुराने पोकेमोन्स को लिटरली फेंक दिया गया है बुढ़ाऊ के पास, प्रोफेसर ओक के पास, एंड उनका क्या किसी को नहीं पता। ये बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट चीज़ है, क्योंकि एश की जर्नी उसके पोकेमोन से एंड उसके पोकेमोन ऐसे, तो एश की जर्नी कम्प्लीट कैसे होगी यार? एंड द लास्ट थिंग इज कि पोकेमोन ने शायद फाइनली आंसर कर दिया कि पोकेमोन मास्टर होता क्या है, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग वर्ल्ड टॉप ट्रेनर एश ने कमिट कर दिया है कि वो पोकेमोन छोड़ रहा है। तो शायद से पोकेमोन मास्टर बनने का मतलब यही था कि वो वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज को जीत के यानी कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बने। बट हम सभी को पता है कि एक एपिसोड के अंदर जहाँ पे गो और एश की कन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पे ये चीज़ बोला गया था कि पोकेमोन मास्टर सिर्फ वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं होता, वो और भी कुछ होता है। तो क्या सही मायने में पोकेमोन मास्टर की जर्नी खत्म हो गई है या पोकेमोन कंपनी का ये कुछ आधा अधूरा सच है? क्योंकि एपिसोड में उन लोगों ने ये चीज़ क्लियर किया है कि ना भाई, पोकेमोन मास्टर बनना टॉप ट्रेनर नहीं होता, बट ये सीरीज को वो लोग तब खत्म करना चाह रहे हैं जब एश किचम एक टॉप ट्रेनर बन चुका है। तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है जो कि पोकेमोन के अंदर हो रही है। खैर ये मेरा कुछ पर्सनल पॉइंट थे जो कि मुझे इनकम्प्लीट लग रहे हैं, एंड तुम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। जाओ एंड मुझे बताओ कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्लॉट होल्स है मेरे खुद की बातों में, तो बताना, ठीक है? एंड आज की वीडियो वैसे नहीं, वैसे इस चैनल के अंदर हम लोग पोकेमोन रिलेटेड बातें करते रहते हैं, तो बाकी की वीडियोज़ भी देखो। पसंद आते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट।